हाँ साथियों, वार्म वेलकम करते हैं हम अन अकेडमी एंड वाईफाई स्टडी 2.0 की तरफ से हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय एक ऐसे शिक्षक और ऐसे मार्गदर्शक का जिन्होंने अपनी नौकरी की वो ऊंचाई प्राप्त की है जिसके आप सपने देखते हैं। कहते हैं कि अगर आप आईएएस बन जाएं तो क्या है, आप कलेक्टर बन भी जाएं तो क्या है, आपको अपनी नौकरी के अपेक्स पर जब पहुंचना होता है तो ख्वाब होता है कि आप चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचे। और साथियों, सर हरियाणा राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसी के साथ साथ साथियों कहते हैं कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करने का सपना देख रहे हैं, आपने प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, तो आपको जिस दर से होकर गुजरना होता है दैट इज कि आप वहां इंटरव्यू बोर्ड का सामना करें। तो साथियों, हमारे लिए सौभाग्य इस बात का कि सर जो है वो फॉर्मर यूपीएससी बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं, तो आज हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर के साथ बात करना, क्योंकि प्रशासक अपने नजरिए से कैसे देखता है समस्याओं को, और आपने इतना बड़ा अनुभव लिया है तो ये बात हमारे लिए जरूर जानने की होगी। इसी के साथ साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज आज हम अपने साथ में जानेंगे सर के थ्रू, वो ये होने वाली है कि सर जब आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं तो आप स्टूडेंट्स में ऐसी कौन सी चीज नोटिस करते हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी तैयारी शुरू करने से पहले ही YouTube या सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरव्यूज को देखते हैं और अपने कैलिबर को नापने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं कभी मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो पता नहीं मुझ में ऐसी कौन सी चीज नोटिस की जाएगी जो शायद इंटरव्यूअर को पसंद आए। तो साथ सर, आज हमारे साथ आपकी जो बात है यह हमारा परम सौभाग्य है, तो कृपया करके आज हमारे प्रश्नों को हम छोटे छोटे तरीके से आपके साथ साझा करेंगे, तो आप अपनी आवाज से हमारे सभी छात्रों का एक तो सर हौसला अफजाई करें। वार्म वेलकम सर। धन्यवाद बहुत बहुत अंकित जी, और आपके मध्य में और सभी बच्चों के मध्य में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सर सर, हम आज के सेशन में आपसे कुछ बच्चों से जुड़े हुए ऐसे सवाल पूछेंगे जो हर प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी के मन की जिज्ञासा का विषय होता है। क्योंकि हम जिस मुद्दे को लेकर आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीएस पेपर 4, जिसमें एथिक्स पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जानकारी तो पूछूंगा ही आपसे, लेकिन व्यवहारिक रूप से सबसे पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, कि एक अच्छे एस्पिरेंट में कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा प्रशासक बन सकता है, आप उस पॉइंट को किस नजरिए से देखते हैं। माना कि बच्चे पढ़ाई करते समय नोलन कमेटी की रिकमेंडेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, साथ में तैयारी करते समय इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन शब्दों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन सर आप एज एन बोर्ड मेंबर जब आप रहे तो आपने किन चीजों पर ध्यान दिया, क्या होना चाहिए एक कॉम्पिटिटर के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर, कि वो अपने आप को प्रशासक के लिए फिट पा सकता है। जी तो अंकित जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है जिज्ञासा सभी के मन में अक्सर होती है। तो इंटरव्यू बोर्ड पर लगभग 5 साल तक मैं जो हूँ यूपीएससी में रहा, और उस दौरान में जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं और अलग अलग सर्विसेज से होते हैं, अलग अलग विषयों से होते हैं, एजुकेशन से भी होते हैं, कुछ पुलिस से, कुछ फॉरेन सर्विस से, कुछ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। सबसे पहली चीज जो बच्चों के अंदर हम लोग देखते हैं कि वो क्या रैशनल है, क्या वो सेक्युलर है और क्या वो एथिकल है। ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। क्या वो अपने आंसर देते समय रैशनलाइज कर सकता है किसी इशू को, क्या वो धर्म निरपेक्ष है, सेक्युलर है कि नहीं है, या उसकी बातों से कुछ ऐसा लगता है कि उसका किसी एक की तरफ जो है ज्यादा रुझान है। तीसरी बात ये कि वो एथिकल होना चाहिए। उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि उनके सामने कुछ एथिकल डायलेमा की सिचुएशंस डालते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर आपके सामने ये परिस्थिति होती है तो आप उस हालत में अपने आप को कैसे रिएक्ट करेंगे, उस चैलेंज को कैसे मीट करेंगे। तो उसके उत्तर से फिर हम लोग को ये अंदाजा लग जाता है कि ये अफसर जो है इसकी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स क्या है। तीन ही चीजें जरूरी है एबिलिटी के लिए, पहली है नॉलेज, दूसरी है स्किल, तीसरी है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के अंदर जैसे मैंने बता दिया कि उसके अंदर सेक्युलरिज्म होना चाहिए, रैशनलिज्म होना चाहिए और एथिक्स होना चाहिए। साथ में उसकी बातों से क्या हमको कुछ और वैल्यू सिस्टम जो कि एक आइडियल सिविल सर्वेंट के अंदर होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहला लीडरशिप क्वालिटीज, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, तीसरा एम्पैथी, चौथा कंपैशन,
और पांचवा जो है क्या वो रोल मॉडल के रूप में सिद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता। तो तरह तरह के प्रश्नों को पूछने से हम लोग को एक तो नॉलेज उनकी पता चल जाती है और साथ ही साथ उसको बोलने की स्किल्स कैसी है, कैसा वो बोल सकता है उसके बारे में, और एटीट्यूड। तो ये तीन चीजें जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इंटरव्यू में खास तौर पर ध्यान जो है हम लोग ये देखते हैं कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं उसमें वो कैसे रिएक्ट करता है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन कई विषयों पर हो सकते हैं, जैसे कि हम उनसे पूछ लेते हैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में क्या ख्याल है, करप्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में क्या ख्याल है, आर्टिकल 370 के बारे में क्या ख्याल है, CAA रजिस्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, GST के बारे में आपका क्या विचार है। तो जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि प्रोज एंड कॉन दोनों हो सकते हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं क्या वो रैशनली एनालाइज कर सकता है कि नहीं, कि दोनों पक्षों के बारे में बताए। तो आइडियल आंसर वो होता है जब वो दोनों प्रोज कॉन बताए, और उसके बाद अगर इंटरव्यू बोर्ड इंसिस्ट करता है कि नहीं आप अपना व्यू दीजिए, तो उस हालत में उसको हमेशा ऑफिशियल लाइन ही फॉलो करनी चाहिए, कभी भी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। और मैं ये बात बड़े ही अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जो इंटरव्यू है या रिटन एग्जामिनेशन है उसमें रिस्क मत लीजिए। रिस्क लेने के लिए आपके पास 35 साल पड़े हुए जब आप एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ रिस्क मत लीजिए। यहाँ पर आपको जो चीज रैशनल लगे, ऑफिशियल लाइन लगे, उसको फॉलो करें, लेकिन जब आपसे कहा जाए तो आप दोनों पक्षों को उजागर करें। सर आपने एक ही आंसर में इतनी सारी बातें रख दी है ना कि अगर कोई जीवन पर्यंत आपकी इस वॉइस को काट करके और पन्ने पर लिख कर रख ले, तो मुझे लगता है कि आपकी ये पंक्तियां है ना वो उसके जीवन का मार्गदर्शन बन जाएंगी। सर मैं अपने मतलब छोटा मोटा तजुर्बा सर मुझे पढ़ाने का है, मैं बच्चों को कहते समय इन बातों को पता नहीं कितने सारे शब्दों का उपयोग करूंगा तब जाकर कुछ कह पाऊंगा। आपने शुरुआती तीन शब्दों में सर उसे आपने कहा बच्चे को तार्किक यानी रैशनल होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष हो यानी कि सेक्युलर होना चाहिए, और जो तीसरी सबसे बात आपने सर इम्पोर्टेंट कही जो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं कि वो अपनी एबिलिटीज में कितना एथिकल है, उसकी बातों में भ्रष्टाचार जैसी चीजों का कितना स्थान है, क्योंकि आज के परिपेक्ष में उन पदों को बहुत ज्यादा इज्जत समाज में दी जाती है जिनसे भ्रष्टाचार की बू आती है। सर ये बहुत बार ऐसा देखा गया है जब सब सर्विसेज समाज की ही सेवा करने के लिए बनी है, तो ये देखा जाता है कि आप कौन से विभाग के अंदर कौन से पद पर जा रहे हैं, उस आधार पर समाज आपको देखकर आंखें खोलता है। आपने तीनों बातों में कहा कि एक विद्यार्थी में अगर ये तीन चीजों को लेकर के स्पष्टता है तो वो एक अच्छा कैंडिडेट है इंटरव्यू बोर्ड की नजर में। सर बहुत अल्टीमेट आपने बातें बताई, और निश्चित ही मेरे जितने भी इस समय लिसनर हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी इन बातों को सुन रहे होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इन बातों को अपने जीवन में लाएंगे। सर अब इसी से जुड़ी हुई बातें मैं अपने सारे साथियों को एक बात और बताना चाहूंगा सर आपके ही माध्यम से कि कल आपका एक और सेशन हमने आपसे निवेदन करके मांगा है, वो एक स्पेशल क्लास के माध्यम से होने जा रहा है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस का, क्योंकि आपने जैसे अभी बातें बोली कि मेंस का आंसर लिख रहे हो या इंटरव्यू में आप हो तो आपकी बातों से झलकना चाहिए कि आप तार्किक हैं, आपके आंसर में ये दिखना चाहिए कि आप सेक्युलर हैं, आपके व्यवहार से ये परिणित होना चाहिए कि आप एथिकल हैं। तो सर हम कल कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, क्योंकि मेंस में जिस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन्हें सर हम एक फ्री स्पेशल क्लास आपकी आज्ञा से करना चाहेंगे जिसमें हम बच्चों के साथ उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और आपकी राय जानेंगे कि उसमें किस तरह से फ्रेमिंग होनी चाहिए थी, केस स्टडी में किस प्रकार से आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। तो सर मैंने बच्चों को आपके माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया है, मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि उस क्लास का लिंक वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें ताकि अभी की अभी जाकर बच्चे अपने आप को उस क्लास के लिए एनरोल कर लें। सर मैं आगे बढ़ता हूँ, सर निवेदन एक और है आपसे, आपने जो बातें बताई ना सर ये पढ़ने में सुनने में अच्छी लगी सर, मुझे बहुत अच्छी लगी है ना, लेकिन सर ये बच्चों में क्या पढ़ने से आ जाती है क्या, या फिर इनका डेवलपमेंट धीरे धीरे किया जाता है? सर थोड़ा सा इस पर अपने अनुभव से आप प्रकाश डालें, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस समय जो ग्रेजुएशन परसुइंग है सर, वो आने वाले समय में UPSC की तैयारी करेंगे या फिर वो आज से 3 साल बाद मेंस लिखेंगे या 2 साल बाद लिखेंगे, तो सर ये एबिलिटी डेवलप कैसे की जाए और क्या पहचान है कि आप में ये एबिलिटी है, तो पहले तो डेवलप कैसे की जाए, तो सर उस पर प्रकाश डाल दीजिए प्लीज जी।
बहुत अच्छी बात प्रश्न है अंकित जी आपने जो पूछा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज जो है वो एक तपस्या है और मन वचन और कर्म तीनों से जो है पूरी तरह से तैयारी होनी पड़ती है और अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करना पड़ता है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लोग जो बैठते हैं सभी सीरियस नहीं होते, तो जो सीरियसली तैयारी करेगा वो हर हालत में सफलता के चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकता है। मुझे याद है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल का मेंबर बना तो स्विमिंग पूल के आइडेंटिटी कार्ड के अंदर एक बहुत ही सुंदर लोगो लिखा गया था जिसको कहते हैं वचन कहते हैं, तो वो जो था सारे शब्द एक एस से स्टार्ट होते थे, लेटर एस से, और उसमें लिखा हुआ था सिंसियर सिस्टमैटिक स्विमिंग सिक्योर श्योर सक्सेस। वही चीज सिविल सर्विसेज के लिए है, सिंसियर सिस्टमैटिक स्टडी सिक्योर श्योर सक्सेस। तो ये चीज अगर सिस्टमैटिक ढंग से आप करेंगे तो हर हालत में 1 साल की अवधि चाहिए आपको, 1 साल की अवधि लीजिए, 2 नावों पर पैर मत रखिए। अक्सर लोग सर्विस भी करते रहते हैं, जॉब भी लेते हैं और साथ में सिविल सर्विसेज। मैं ये नहीं कहता कि ये असंभव है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मन जो है वो विचलित होता है, वो समझ नहीं पाता किधर मुझे जाना है, तो सर्विस जो है उसको बाद में करने के लिए आपके पास समय होगा, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी पूरी तरह से कर लें। और साथ में मैं कुछ चीजें लेटर सी से संबंधित कहूंगा तैयारी के लिए इनकी क्या जरूरत होती है। पहला सी से है कलेक्ट, तो हमें कलेक्ट करना है सबसे पहले, क्या कलेक्ट करना है, सी से कंटेंट, तो जो कंटेंट है उसको कलेक्ट करना है। और तीसरा सी है वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंसाइज एंड करेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से कहता हूं कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, यहां पर इस समय इतना ज्यादा मटेरियल है कि वो पढ़ना असंभव है, और कुछ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं जो बुक्स लिखते रहते हैं, जिनका काम सिर्फ बुक्स लिखना है लेकिन उस बुक्स की क्वालिटी नहीं होती है। तो इसलिए सबसे पहले 2-3 महीने लगाकर सभी बुक्स या दूसरे सोर्सेस से कलेक्ट करिए कंटेंट जो कि कंसाइज और करेक्ट होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज जो जरूरत है जो बिल्कुल स्वाभाविक है वो है कंप्यूटर लेना, अगेन सी, सी से कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लेना होगा और एक अच्छी कनेक्टिविटी वाला ब्रॉडबैंड लेना होगा, अगेन सी से कनेक्टिविटी। अब इसके बाद आता है तैयारी, आपको 1 साल करनी है तो आपको जो है कैलेंडर तैयार करना पड़ेगा, प्रतिदिन 8 घंटा जो है अगर आप दे सके तो बहुत अच्छा है, कम से कम 6 घंटा दीजिए और कैलेंडर बनाइए। और ये मैं नहीं कहूंगा कि एक ही विषय को पूरे दिन पढ़िए, तरह तरह के जितने पेपर से उनका मिक्स कीजिए ताकि आपको रुचिकर लगे, बोर ना हो जाए। तो कैलेंडर के बाद जो अगला सी है वो है कि कम्युनिकेशन स्किल, सी से कम्युनिकेशन, तो आपकी राइटिंग स्किल्स जो है और डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स है, जैसे कि छोटी सी बात प्रेसी राइटिंग हम लोग स्कूल कॉलेज में करते हैं, तो यहाँ पर भी कई प्रश्नों के जैसे केस राइट केस स्टडीज होंगी जो कि एथिक्स में, तो जो मेन फैक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे पूरे केस स्टडी का प्रेसी लिखना पड़ेगा। तो राइटिंग स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, प्रेसी राइटिंग स्किल्स एंड इंटरव्यू के समय आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये भी बहुत आवश्यक है। अगला सी है कि चूंकि ये कंपटीशन है तो आपको कैंडिड भी रहना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि आप जो है अपनी सारी जानकारी जो है सभी में बांट दे क्योंकि कंपटीशन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहां पर जो सबसे अच्छा है उसने निकलना है, तो आप इसके लिए कंपटीशन समझते हुए कैंडिड रहिए, तैयारी करिए। अगला जो है कि कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, सी से कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसमें अक्सर क्या होता है कि लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, एक पॉजिटिविटी अंदर होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर मैं वो बार बार कहता हूँ के एस ए के अंदर जो तीसरा ए है वो एटीट्यूड के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए फेलियर होती रहती है, हम गिरते भी हैं पढ़ते भी हैं उसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स अट्रैक्ट पॉजिटिव एक्शन बिकम्स पॉजिटिव हैबिट्स एंड पॉजिटिव हैबिट्स बिकम्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव रिजल्ट जो है पॉजिटिविटी से आ रहा है। तो उसके बाद जो है सी से है कंसल्टेशन, तो जब आप दिन भर पढ़ लें शाम के वक्त अपने गुरुजनों से अपने फैकल्टी मेंबर से अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कराने के लिए कंसल्टेशन सी की आवश्यकता है। इसके अलावा आंसर्स जो है
वो उसके लिए आपको क्लैरिटी बहुत जरूरी है। देखिए बहुत लंबा लंबा लिखने से कोई फायदा नहीं है, उसके लिए आपको बड़ा ही शार्प और क्रिस्प आंसर होने चाहिए, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है आनी बहुत जरूरी है। फिर एक चीज और सी से है, सर्कमस्पेक्ट, यानी कि आप रिस्क मत लीजिए। जैसे कि कोई ऐसे का पेपर है, अब मान लीजिए 5 या 6 ऐसे के टॉपिक्स हैं और उनमें से कुछ महापुरुषों की उन्होंने सेइंग्स दे दी और कहा इसको इलैबोरेट करिए। अब ये विषय ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी विचारधारा और एग्जामिनर की विचारधारा मेल ना खाए, तो आप रिस्क लेने के बहाने आपको नंबर ऑफ मार्क्स आपके कम हो जाए। सबसे सिंपल ऐसे पिकअप करिए जहां कोई रिस्क ना हो, उसमें आपको कभी भी मार खाए नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छे नंबर ही मिलेंगे। मैंने जब आईएएस की तैयारी करी थी तो जो मेरे एसए के पेपर थे उसके अंदर जो सबसे सिंपल था वो था द रीसेंट एडवांसेस इन साइंस इन इंडिया। अब इसको दो ही अर्थ ही नहीं हो सकता, ये एक ही अर्थ होगा, इसके बारे में कोई एग्जामिनर दूसरा क्यों नहीं रख सकता। लेकिन अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर या शेक्सपियर का लिखा हुआ कुछ उसके ऊपर अपने विचार रखूं, हो सकता है वो विचार ना मेल खाते हो। तो सर्कमस्पेक्ट यानी अवॉइड रिस्क, ये आवश्यक है। और एक चीज और जो कि लास्ट में, अपना आंसर क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब है कुछ नया लिखिए, कुछ नया डालिए। रिसर्च हो रही है, नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, इसके ऊपर जजमेंट्स आ रहे हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग में आपको दूसरों से अलग होना पड़ेगा, तभी तो वो दूसरों के मुकाबले में आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये चीज जो है बहुत आवश्यक है। और कोई भी आंसर बताने के लिए हमेशा एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जो है उस थियोरिटिकल पार्ट को बहुत क्लैरिटी से देते हैं। अब एथिक्स के अंदर भी जो इंटीग्रिटी समझाना, अकाउंटेबिलिटी समझाना या एम्पैथी समझाना, तो उसका एग्जाम्पल जरूर दीजिए। अब वो चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल हो या रूसी मोदी का एग्जाम्पल हो, ये तीनों वैल्यू सिस्टम से कोई ना कोई अच्छे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो ये अगर आप देंगे तो आपको आपका आंसर जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और वो इम्प्रेस भी हो जाएगा। तो ये तैयारी करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और भी बहुत सी चीजें हैं। आप अंकित जी, आप बीच में सर, मैं तो आपको सुनते ही रहना चाहता हूं। मतलब मैं ये कहूंगा आज के, मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि आज के इस सेशन का थंबनेल बना के रख लेना चाहिए कि अगर आप रियल में यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस सेशन को जरूर सुने, क्योंकि सर आपने इतने अल्टीमेट पॉइंट बताए हैं ना कि इन बातों को बच्चे पता नहीं अभी कितना फील कर पाएंगे, लेकिन मैं ये अश्योर कर दूं सबको, यदि वो 2 से 3 साल प्रिपरेशन में रह चुके होंगे ना, तब वो आपके इस बात की वैल्यू को समझ पाएंगे। सर अभी क्या है ना, कुछ बच्चे जो शुरुआती दौर में हैं उन्हें इन बातों का महत्व ही नहीं पता है सर, जो आपने बातें बोली हैं। लेकिन मैं दिल से इस बात को फील कर पा रहा हूं क्योंकि मैं एक स्टूडेंट खुद रहा हूं, आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूं सर। तो मैं आपकी इन बातों से इतना प्रभावित हूं कि आपने एक एक चीज में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। इवन मैं आपके सेशन को खत्म होने के बाद आपकी बातों का नोट्स बनाऊंगा क्योंकि आपने बहुत शानदार बातें बताई हैं सर। थैंक्स अलॉट, आप इतनी शानदार बातें बता रहे हैं सर। अच्छा सर, तो हालांकि मैं इन बातों को सुनने के बाद और प्रश्न बढ़ाने की इच्छा तो नहीं रखता, लेकिन सर इच्छाएं हैं कि खत्म नहीं हो रही हैं सर। मैं कुछ और सर प्रश्न आपसे करना चाहूंगा सर। जैसे आपने बताया कि 1 साल के अंदर बच्चा अगर सोचे तो वो इन चीजों पर काम करने लग सकता है। आपने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया सर कि एक बार में एक ही काम करें, आपने कह भी दिया कि क्रिएटिविटी को रखें, आपने ये भी बताया कि किस प्रकार से वर्तमान टाइम में जो चल रहा है उस पर नजर रखें, एग्जांपल्स को देखें, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं, रिस्क मिनिमम तरीके से लें, क्योंकि आपको जिंदगी मिलने वाली है, जिंदगी है बाकी जिसमें आप रिस्क ले सकेंगे। इस समय क्रिएटिव ना बने ताकि आपकी रिस्क से दिक्कत हो जाए। बहुत अल्टीमेट बातें हैं सर। सर समटाइम्स ऐसा होता है सर, हमारी जिस तरह की, देखिए ऑनलाइन की जो दुनिया है ना सर, इसके बहुत से फायदे हैं और बहुत से नुकसान हैं। उन नुकसानों में सबसे पहली बात जो मानता हूँ उसको मैं पहले ही एडमिट करता हूँ सर, जो आपने खुद ने भी आज बताया कि एम्पल ऑफ नॉलेज इस समय मार्केट में फ्री में अवेलेबल है सर। तो बच्चों की बड़ी मुसीबत है कि कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। आपने उसका बहुत शानदार जवाब दिया कि कलेक्शन पर फोकस करें, कलेक्ट करें, बेहतरीन तरीके से चीजें सेलेक्ट कर लें और फिर आप आगे निकलें। बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर ऑनलाइन की एक और खासियत भी है, खासियत ये है सर कि इस एजुकेशन ने बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि वहनीय कीमतों पर, सस्टेनेबल कह लीजिए या फिर ऐसा कह लीजिए कि बेरेबल कीमतों पर लोगों की एजुकेशन उपलब्ध कराई है सर।
जहां एक और इसकी नेगेटिविटी है, वहीं इसकी पॉजिटिविटी में है कि सर उन बच्चों को भी अब यूपीएससी का सपना देखना अधिकार लगता है जिनकी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है। तो सर आप उन बच्चों के लिए क्या अपनी तरफ से मार्गदर्शन देना चाहेंगे या उनको क्या दिशा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे साथ ऐसे भी जुड़े होते हैं सर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी सपने यूपीएससी देखने के हैं। तो क्या सर आर्थिक परिदृश्य किसी को यूपीएससी के सपने देखने से रोकता है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि पूरी प्रिपरेशन में कोई विद्यार्थी जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है वो अपने आप को सकारात्मकता के साथ कैसे मोटिवेटेड रखे सर, प्लीज इस पर अपने दो शब्द। तो अंकित जी पहली बात तो ये है कि आर्थिक परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी को इस एग्जाम के लिए चेष्टा करनी चाहिए क्योंकि सिविल सर्विस जो है वो दूसरे जॉब से बहुत फर्क है। बाकी सब जॉब्स हैं लेकिन ये सर्विस है, सेवा है, और इस सेवा में अब जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो जीवन भर आपको एक बहुत ही बड़ा अनूठा अवसर मिलेगा कि आम जनता की मुश्किलों को दूर करने का, जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा बनने का आपको मौका मिलेगा। अब सवाल है कि आर्थिक बैकग्राउंड अगर मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं भी है जिसकी वजह से आपको साथ में कोई और जॉब करना पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप हतोत्साहित ना हो, लेकिन ये जरूर है कि कुछ समय आपको निकालना पड़ेगा तैयारी का। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट कभी मत दीजिएगा, उससे मन के अंदर जो है एक बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव चीज आ जाती है और एक पेसिमिस्ट एटीट्यूड आ जाता है, निराशावादी आ जाता है। तो मैं इसलिए बार बार जो कहता हूँ कि एक पैर नाव में पैर रखिए, लेकिन अगर आर्थिक परिस्थिति नहीं है और आपको कोई ना कोई ऑक्यूपेशन लेना ही है तो जरूर लीजिए, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी हो सकती है, लेकिन फिर समुचित समय निकालिए ये तैयारी के लिए। ये हो सकता है कि एक वर्ष में तैयारी ना करके आप 2 वर्ष में तैयारी कर लीजिए, धीरे धीरे कर लीजिए तो भी जो है, लेकिन ये और अपना लक्ष्य जरूर रखिए कि आपने सिविल सर्विस में आना है। और रूरल बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरव्यू में पहली बात है लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं है, वहां पर पूरे भारतवर्ष की सारी भाषाओं में इंटरव्यू हो सकता है, इंटरप्रेटर बैठे रहते हैं और इंटरप्रेटर प्रश्न को भी समझाते हैं और उत्तर भी समझाते हैं। हम लोग कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, भेदभाव नहीं करते कि वो किस प्रांत से है, किस भाषा से है, किस बैकग्राउंड से है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि उसका नॉलेज, उसकी स्किल और एटीट्यूड कैसा है, और ये नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड में आर्थिक परिस्थिति या ग्रामीण स्थिति किसी भी हालत में रुकावट नहीं बनती। मैं इसके साथ में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि तैयारी करते समय 2 चीजें और जरूर ध्यान रखें कि कभी भी किताबों से डायरेक्टली मत पढ़िए, सीधे मत पढ़िए किताबों को। जो मैंने जैसे कंटेंट कहा तो किताबें जितनी इकट्ठा कर सकते हैं या मेटीरियल उनको इकट्ठा करिए, 2-3 महीने लगाइए, उनसे बड़े स्पष्ट और अच्छे नोट्स अपने हाथ से लिखे हुए तैयार कीजिए। मुझे याद है मेरे पिताजी उस समय भी मुझसे हिंदी और अंग्रेजी के सुलेख लिखवाते थे। तो लैंग्वेज जो है एक तो इम्प्रूव होती है और कैलीग्राफी भी आती है, यानी कि बहुत ही सुंदर लिखने से। तो चाहे कुछ कहिए, एग्जामिनर अगर सुंदर अक्षरों में, मोती जैसे अक्षरों में लिखा हो तो उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है। और साथ में लिखने से वो बात मानस पटल पर अंकित हो जाती है। अगर आप किताब से पढ़ेंगे, रट के करेंगे, तो आपको वो जो है नॉलेज नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि द वीकेस्ट इंक इज स्टिल मोर पावरफुल देन द मोस्ट पावरफुल ऑफ मेमोरी। तो चाहे कितनी ही पावरफुल मेमोरी क्यों ना हो, वीकेस्ट इंक उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो लिखकर अगर आप तैयार करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप फिर सोचना नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर में आपकी कलम स्वतः चलती चली जाएगी स्टेप बाय स्टेप, और इसके कारण जो समय की बचत होगी उसमें आप ज्यादा प्रश्न भी हैंडल कर सकेंगे। एक बात और जो बहुत आवश्यक है कि पिछले वर्षों के पेपर्स को आप जरूर हल करें। तो देखिए क्या होता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो फंक्शन होता है उसके लिए सबसे पहले जो है प्रैक्टिस होती है, वहां पर प्रैक्टिस ग्राउंड पर होती है, फिर रिहर्सल होता है, फिर फुल ड्रेस रिहर्सल होता है और फिर परफॉर्मेंस होता है। तो सिविल सर्विसेज के लिए भी आपको उसी तरह तैयारी करनी है कि जैसे एक गवैया वहां पर अपना परफॉर्मेंस देना है कहीं पर, तो सबसे पहले वो रियाज करेगा, रियाज वो प्रैक्टिस है,
जो कि आपके पुराने पेपर्स को देखकर आप रियाज करेंगे, उसके पश्चात उसका रिहर्सल करेंगे। तो रिहर्सल टेस्ट पेपर से करेंगे या टाइम के अंदर 3 घंटा या 2 घंटे का जो है उसके तहत एक्चुअल पेपर सॉल्व करेंगे और तब जाके आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अपना वहां पर पेपर लिखिए। तो ये स्टेप जो है पुराने पेपर्स को पढ़ने से ट्रेंड पता चल जाता है कि पेपर्स कैसे आते हैं और लिखने से प्रैक्टिस हो जाती है। सर आपने अगेन, मैं आपसे तो ये गुजारिश करूंगा कि आप हमें वो टाइम दें जिसमें मैं आपका लाइव प्रेजेंट होकर के साक्षात्कार ले पाऊं और एक लंबी वार्ता चले। सर मैं खुद एनलाइटन फील कर रहा हूं सर आपकी ये सारी बातें सुनकर के, क्योंकि आपने अपने जीवन के अनुभव को इतने कम शब्दों में और इतना प्यार से सहेज के दिया है कि मैं बार बार बोल करके भी आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ सर। सर निवेदन था कि एक छोटा सा डाउट रहता है विद्यार्थियों में कि जब वो किसी मीडियम में, लेट से उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पेपर लिखा लेकिन वो इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं है सर, तो बड़ा प्रिसाइजली मुझे इस बारे में बताएं कि क्या वो इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं क्या सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेंस उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं? जी, इंटरव्यू के लिए उसको अपनी भाषा जो भी उचित समझता है वो वहां देता है। और मैं एक चीज और बताऊं कि वहां पर हम एग्जामिनर, ये वहां पर इंटरव्यू बोर्ड कभी नहीं देखता कि उसकी जो है भाषा पर कितनी उसकी पकड़ है या महारत है। हम लोग अक्सर जैसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, अब उसने हिंदी का कहा है लेकिन अंग्रेजी के टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग उसको वातावरण बहुत सहज बनाते हैं, उसको एट ईज कर देते हैं ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर दे सके। लेकिन ये बात जरूर मैं कहूंगा कि 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, तो कुछ बातों का इंटरव्यू में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला ये कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको पहले अपने मनन करें और तब उसका आंसर सोच कर दें, और सोच कर देने के समय मन ही मन में उसका आंसर ये देखें कि उसके आंसर के कितने हिस्से हैं, पार्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहले आना चाहिए, यानी प्रायोरिटाइज कीजिए अपने आंसर को, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो बाद में आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि उसको लगेगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको पता ही नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले बताएं, उसके बाद जो है वो दूसरे प्रश्नों के बारे में उत्तर दें। और जैसे मैंने कहा कि जब भी जो करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, या हॉबीज के बारे में, या अपने जहां का रहने वाला है, ये सब विषयों के बारे में पूरी तरह से उसको तैयारी होकर इंटरव्यू में जाना होगा और इन्हीं के ऊपर जो है प्रश्न आते हैं। और हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि इसका रूरल बैकग्राउंड है या इसको लैंग्वेज के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है। लैंग्वेज अपनी चूज कर सकते हैं किसी भी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने जो बातें अभी बताई ना, ये निश्चित ही हमारे स्टूडेंट्स करेंगे। और मैं आपसे फिर से आपके माध्यम से बच्चों को याद दिलाना चाहूंगा सर कि कल हमारा एक सेशन और है रात्रि 9 बजे, जिसमें हम इसी प्रकार की बातों को जारी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय की कुछ लिमिटेशंस हैं। हम अपनी तकनीकी दिक्कतों के चलते आज आपका जो कीमती समय है उसे हम वेस्ट कर चुके हैं, उसके लिए ऑलरेडी क्षमा प्रार्थी हैं सर। तो कल हम जो रात को 9 बजे सेशन रखेंगे सर, उसमें हम स्पेशल क्लास में उस सेशन को रखने वाले हैं और वो सेशन जो है वो सभी साथियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो उसमें वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे सर बहुत इजीली, क्योंकि उसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। सर जैसे आपने बहुत सारे लोगों को तरह तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हुए देखा होगा, है ना, आपका वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी व्यापक रहा है, क्योंकि आपने जैसा खुद ने बताया कि सिविल सर्वेंट एक सेवक होता है, उसे बहुत सारी सेवा करने का मौका मिलता है, सर्विस करता है रियल में वो। क्या सर कभी आपको ऐसा लगा कि सर्विसेज के जो चैलेंजेस हैं उनको ये एथिक्स का जो पेपर है ये बहुत अच्छे से डील करता है? यही कारण है कि यूपीएससी के कोर्स कैरिकुलम को प्लान करने वालों ने एथिक्स के पेपर को पहले ही रख दिया ताकि वो समझ जाएं कि अपेक्षाएं आपसे क्या हैं। सर इस विषय पर, यानी एथिक्स के पेपर पर थोड़ी सी टिप्पणी आपकी हो जाए सर। जी जी जरूर। तो अंकित जी, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, डीओबीटी ने और यूपीएससी ने यह आवश्यक समझा कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए जो है एथिक्स जो है उसको उतार देना अपने जीवन में बहुत आवश्यक है। देखिए, लोग जो है पब्लिक सर्वेंट से क्यों मिलने आते हैं, वो इसलिए मिलने आते हैं भाववश, अभाववश और प्रभाववश, क्योंकि उनका श्रद्धा भाव है पब्लिक सर्वेंट के प्रति। उनको आज भी लगता है कि पॉलिटिशियन के मुकाबले में पब्लिक सर्वेंट उनको न्याय दिलवाएगा, तो भाववश है।
दूसरा है अभाववश, कुछ न कुछ अभाव है उनके मन में, जैसे कि किसी को राशन कार्ड चाहिए, किसी को लाइसेंस चाहिए, किसी को, उस अभाव की पूर्ति करने के लिए वो पब्लिक सर्वेंट के पास आते हैं। और तीसरा प्रभाव है, जो कि पब्लिक सर्वेंट का प्रभाव होता है। इन्हीं तीन कारणों से जब आते हैं तो पब्लिक सर्वेंट को अगर एथिकल नहीं होगा तो जो पब्लिक पॉलिसीज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है वो पब्लिक पॉलिसी सही मायने में इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। और पब्लिक सर्वेंट का नाम ही क्यों पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि ही गेट्स सैलरी फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर, पब्लिक एक्सचेकर से उसको सैलरी मिलती है, और पब्लिक एक्सचेकर के अंदर टैक्सेस जो पब्लिक अदा करती है उससे पैसा आता है। तो जब उसकी सैलरी ही पब्लिक टैक्सेस से आ रही है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट एंड ही सर्व द पीपल बाई एनफोर्सिंग रूल ऑफ लॉ। वो रूल ऑफ लॉ एनफोर्स करता है और तभी सभी के साथ जो है न्याय करता है। चार पिलर्स हैं जिसके ऊपर पब्लिक सर्वेंट टिका हुआ है। पहला है इथॉस, इथॉस ऑफ सर्विस टू द सिटीजन। दूसरा ई है इक्विटी, दैट इज जस्टिस। तीसरा है एफिशिएंसी, ही हैज टू बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। और चौथा है एथिक्स, ही हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, ही हैज टू बी एथिकल। तो ये जो एथिक्स के अंदर कोर वैल्यूज हैं छुपी हुई हैं, सरकार ने महसूस किया कि कुछ हमें स्टेप्स लेने चाहिए। पहला स्टेप तो ये लिया सरकार ने कि 2012 की जो नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी है उसके अंदर उन्होंने डाल दिया कि हर स्टेट गवर्नमेंट, हर डिपार्टमेंट एथिक्स के बारे में इंडक्शन लेवल पर और बाद में मिड सर्विस लेवल पर भी ट्रेनिंग उसको दी जाएगी। तभी जो है सर्विस के दौरान जो ये ट्रेनिंग के अंदर जो है एथिक्स और वैल्यूज का हिस्सा डाला गया है। दूसरा, सरकार ने ये स्टेप लिया कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का गठन किया। वीरप्पा मोइली उसके चेयरमैन थे और उन्होंने लगभग 15 रिपोर्टें दी। उनमें से एक रिपोर्ट एथिक्स एंड वैल्यूज पर है, एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन पर है। इसी प्रकार से तो उन्होंने भी एथिक्स और वैल्यूज का महत्व जो है उजागर किया। और तीसरा स्टेप उन्होंने जो लिया वो कंपलसरी पेपर GS4 को लाकर कि महत्व पब्लिक सर्वेंट समझे कि भाई इसके बगैर तुम जो है सर्विस नहीं कर सकते, और अगर उसके बाद भी तुम अगर अनइथिकल होते हो देन यू विल हैव टू पे द प्राइस, क्योंकि हर एक के लिए कॉन्डक्ट रूल्स रखे हुए हैं। सर, पहले सोच के आना चाहिए। सर निवेदन है कि हम आखिरी मिनट में है, मैं बच्चों को इस आखिरी मिनट में एक अंतिम मैसेज ये दे रहा हूँ कि सर की इतनी ही इंटरेस्टिंग बातों को कल हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि बातें हमारे पास खत्म नहीं होंगी क्योंकि क्यूरोसिटी भर चुकी है। मैं अपने स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आज हमें बता दें कि कल के सेशन में हम सर से और कौन सी बातों पर चर्चा करें, आंसर लिखने की कौन सी कला उन्हें डेवलप होनी चाहिए। अपने इस जोश को बच्चे बरकरार रखें, इसी शुभकामना के साथ हमें इस सेशन को यही विराम देना होगा। सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सेशन को यहीं रोक रहा हूं, समय मुझे यहीं रोकने की परमिशन दे रहा है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाने देने का मन कर रहा है। फिलहाल के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि कल के सेशन को तुरंत, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके तुरंत ज्वाइन कर लें, और सर को कल रात 9 बजे लेकर मैं फिर से हाजिर होता हूँ। थैंक यू सो मच साथियों, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।